अति सुंदर इस सुबह में परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो। नीति वचन 8वां अध्याय 5वां और 6ठा वाक्य। हे भोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। अनुग्रहित वचन के आधार पर लड़ें। विवेक के लिए विषय पर मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करें। विवेक के लिए लड़ना आत्मिक कई बातों के लिए, विश्वास के लिए, भावों के लिए, संसार के विपरीत, सांसारिक स्वभाव के विपरीत लड़ने से बहुत अलग है। विवेक के लिए डांट को तुच्छ न जानने वाले स्वभाव की जरूरत है। परमेश्वर के उपदेशों को हृदय से स्वीकार कर खुद विनय के साथ उपदेशों को अपने जीवन में प्रवृत्ति में लाना ही विवेक में लड़ना कहलाता है। स्पष्ट रूप से यदि कहें तो यथार्थ में विवेक वो है जो परमेश्वर के उपदेशों को हृदय से मानता है, डांट से बैर नहीं रखता। इसीलिए नीति वचन के 15वें अध्याय के 5वें वाक्य में लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। आज के समय की खतरनाक स्थिति यही है, कोई भी डांट नहीं सुनना चाहता, खुद की इच्छा अनुसार जीने का आग्रह रखते हैं। हमारे रास्ते में कोई ना आए, हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। ये गलत धारणाओं के साथ हम बढ़ते हैं, लेकिन विवेक में लड़ना, व्यक्ति चाहे कितनी भी समझ उसके पास हो लेकिन दूसरों की बातों को सुनने का एक स्वभाव उसके पास होता है। दाऊद का एक अच्छा स्वभाव है, भजन 141 के 5वें वाक्य में और 22 के 3रे वाक्य में। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वे मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया उस स्वर्गीय बुलाहट, उस स्वर्गीय चुनाव को नष्ट करने वाले हर तरह के चैलेंज को पहचान कर उन्हें अनदेखा करने वाला होता है एक विवेक से भरा व्यक्ति। पवित्र लोगों ने पवित्रता के साथ जीवन आरंभ किया, अंत में विवेक नष्ट होने के कारण अपवित्र हो गए, गवाहियां नष्ट हो गई, परमेश्वर के हृदय को वेदना पहुंचाई। यीशु पर विश्वास किए उनके शिष्य मिलकर यीशु को राजा बनाएंगे ऐसा सोचा। यीशु पर विश्वास नहीं करने वाले यहूदियों ने मिलकर यीशु को मारने का सोचा, लेकिन इन दोनों ही अनर्थों से यीशु समय समय पर बच के निकल गए। वो कितना विवेक के साथ था। अंत में परमेश्वर का समय और इच्छा जब थी तब कलवरी के क्रूस पर मानव जाति के लिए यीशु ने बलिदान दिया। परमेश्वर ने हमें जिस स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है वो यदि नष्ट नहीं होनी है तो इस भूमि पर जीवन बहुत ही विवेक के साथ जीना है। मछली पकड़ने जाते समय कांटे के छोर पर छोटा सा प्राणी का फंसा कर पानी में डालते हैं। मछली केवल उस प्राणी को देखकर उसे अपना लक्ष्य मानकर आती है और अंत में उस कांटे में फंस जाती है। छोटे प्राणी से महान मनुष्य जो छुप कर बैठा है, उसे कांटे को मछली यदि देख लेती तो वो कभी उसमें ना फंसती। प्रियो, समय बहुत ही दुष्ट है, इसीलिए अपना जीवन विवेक के साथ जिए। विनय और नम्रता के साथ उपदेशों और डांटों को मानकर उनके अधीन रहकर विवेक के लिए परिश्रम करें। परमेश्वर की बुलाहट की पूर्ति हमारे जीवन से ही हो। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपकी स्वर्गीय बुलाहट और स्वर्गीय चुनाव के अनुसार अपने जीवन को विवेक के साथ जीने के लिए हम हरेक को तू सहायता कर। यीशु के नाम में आमीन।